जैसे जैसे उत्तराखंड चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सभी सियासी दल अपनी सियासी चालें चलने में लगे हुए हैं। नेताओं का टिकट लेने के चक्कर में अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई नेता अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं, तो कुछ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और कुछ दल चक्कारे ले रहे हैं। आपको बता दें, बीते रोज वरिष्ठ भाजपा नेता हरक सिंह रावत को बीजेपी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। इसी को लेकर देहरादून के डालनवाला में आम आदमी पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कांग्रेस पार्टी और हरक सिंह रावत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज हम सब देख रहे हैं कि लोग किस प्रकार से कुर्सी के लिए, जनता के हितों को ताक पर रखने के लिए तैयार रहते हैं। इनका एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि सत्ता हासिल होनी चाहिए और सत्ता का दोहन कैसे करें, इसमें यह लोग माहिर हो चुके हैं। हरक सिंह रावत पर हमला बोलते हुए आप प्रवक्ता ने कहा कि हरक सिंह रावत का जो नाटकीय प्रकरण चल रहा था, वह जनता के सामने बाहर आ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस की जो जनता को धोखा देने की राजनीति है, हरक सिंह रावत उसका एक आईना है। जब मीडिया ने हरक सिंह रावत के आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने पर सवाल किया, तो आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि हरक सिंह रावत जैसे नेताओं ने उत्तराखंड को बर्बाद किया है और ऐसे नेता तो किसी भी पार्टी में नहीं होने चाहिए। आम आदमी पार्टी में केवल योग्य और शिक्षित लोग ही आ सकते हैं। आवाज इंडिया के लिए देहरादून से यश रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।